हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट NJRF क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो आज के इस वीडियो में हम लोग Paper-1 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसी की सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। ये PYQs 2020 का सेशन नंबर 2 है, पार्ट 2 है ये। सो अगर आप में से किसी ने फर्स्ट पार्ट को मिस किया है, सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके कवर कर सकते हैं। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, आज भी हम लोग PYQs ही डिस्कस करने वाले हैं Paper-1 के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है, अ टीचर हु एनकरेजेस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन कम्युनिकेशन विल इंश्योर। जो टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन पक्का कर लेता है जब भी कम्युनिकेशन होती है क्लासरूम में, यानी ड्यूरिंग द लेक्चर। हमेशा अगर कोई टीचर क्या इंश्योर करता है कि स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करे उस लेक्चर में थ्रू द कम्युनिकेशन, तो वो किस तरीके से कर सकता है इंश्योर। तो 5 ऑप्शन ये हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। सबसे पहला तो है ऑपोजिट व्यूज, देन बोलता है सेल्फ एस्टीम, तीसरा है फिर क्लास परफॉर्मेंस, देन है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एंड लास्ट है बाइनरी डिस्ट्रैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, बाइनरी डिस्ट्रैक्शन जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, तो ई ऑप्शन तो कहीं से भी नहीं आएगा। तो जिस ऑप्शन में ई है वहाँ से उसको एलिमिनेट कर देते हैं। सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में ई मुझे दिख रहा है, तो सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन तो हो जाएगा एलिमिनेट। बाकी क्या बचा, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में बी और सी तो कॉमन है। बी और सी यानी कि बी यानी कि सेल्फ एस्टीम पक्का आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रही हूँ एज अ टीचर, तो क्या होगा, मैं स्टूडेंट का जो सेल्फ एस्टीम है उसको पक्का कर रही हूँ। दूसरा मैं क्या कर रही हूँ, क्लास की परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रख रही हूँ। साथ ही साथ अब हमें क्या चेक करना है, ऑप्शन ए सही है कि डी सही है। ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट व्यूज़ जैसा तो जरूरी नहीं है। अपोजिट व्यूज़ होंगे तो डिस्कशंस हो जाएंगी, डिबेट्स हो जाएंगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी क्लासरूम में। तो ये टीचर कोई भी एनकरेज नहीं करेगी कि लड़ाई हो, झगड़े हो क्लासरूम में। इंस्टेड कोई भी टीचर क्या करेगी, या उससे भी बेटर ऑप्शन, ए से बेटर ऑप्शन डी बनता है। क्यों? क्योंकि डी में क्या बोल रहा है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लासरूम में। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बी सी एंड डी। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या क्या आता है, बी सी एंड डी, यानी कि अगर कोई टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है क्लासरूम में, तो ऑटोमेटिकली वो सेल्फ एस्टीम को भी देख रहा है, वो क्लास की परफॉर्मेंस को भी देख रहा है, साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट उसको भी वो देख रहा है। सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये आपका कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आया है, कम्युनिकेशन की यूनिट से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अष्टाध्यायी वॉज रिटर्न बाय। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया आपका लॉजिकल रीजनिंग में, जो आपका इंडियन लॉजिक वाला पार्ट है, इंडियन लॉजिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अष्टाध्यायी किसने लिखी है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चाणक्या जी ने लिखी है, जिवाका जी ने, देन कट्यायना, एंड लास्ट है पन्नी। तो अष्टाध्यायी किसने लिखी है, तो अष्टाध्यायी लिखी है आपके पन्नी जी ने। ये बेसिकली अष्टाध्यायी क्या है, अष्ट मतलब होता है 8, ध्यायी मतलब होता है चैप्टर्स या लेसन्स। तो यहाँ पे 8 चैप्टर्स या लेसन्स लिखे गए हैं किसके, आपके बेसिक जो संस्कृत का ग्रामर होता था, उस संस्कृत के ग्रामर के ऊपर जो पूरा का पूरा लिखा गया है उसे हम बोलते हैं अष्टाध्यायी। और किसने लिखा है, पन्नी जी ने, ठीक है। आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन क्लियर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन, व्हाट काइंड ऑफ क्लासिकल कैटेगोरिकल इज इट। ये कौन से टाइप की आपकी कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है, आपको वो पहचानना है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, कि बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए एंड बी। अब कैटेगोरिकल प्रपोजिशन आप सभी को पता होगा, 4 टाइप की कैटेगोरिकल प्रपोजिशन होती है, करेक्ट। ये भी अगेन आपका लॉजिकल रीजनिंग में से थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है। लॉजिकल रीजनिंग में 4 टाइप की कैटेगोरिकल प्रपोजिशन होती है। पहली कौन सी होती है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। सेकेंड कौन सी होती है, यूनिवर्सल नेगेटिव। थर्ड कौन सी होती है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। एंड फोर्थ कौन सी होती है, पर्टिकुलर नेगेटिव, जिसको आप लोग ऑल नो सम नॉट के भी नाम से जानते हो, करेक्ट। अगर आप लोगों को ये चीज़ पता है, वेल एंड गुड, तो आपको आंसर पता ही चल गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनिवर्सल अफर्मेटिव।
क्यों यूनिवर्सल अफर्मेटिव? पहली बात तो अफर्मेटिव वर्ड का ही मतलब होता है जो स्टेटमेंट पॉजिटिव है. ऑब्वियस ही बात है, महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन. ये पूरी की पूरी सेंटेंस, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट पॉजिटिव दिख रही है, तो अफर्मेटिव तो उस हिसाब से सही बनता है. अब यूनिवर्सल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, जो 100% ट्रू है स्टेटमेंट, या 100% स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जो भी स्टेटमेंट 100% ट्रू रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल स्टेटमेंट. तो उस हिसाब से भी इसका आंसर सही बैठेगा. क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है कि वो इंडिया के क्या है? फादर ऑफ द नेशन, हमारे इंडिया के कहलाए जाते हैं. तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका थर्ड जॉब, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला ऑप्शन, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. जिनको कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस नहीं आती हैं, मैं उनके लिए नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी. वहाँ पे मैंने कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या है, चारों कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन डिटेल में डिस्कस किया हुआ, 10-15 मिनट का ही वीडियो है. सो आप वहाँ से जाके लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट से ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, इनकेस आपको नहीं आता है तो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीवेशन ऑफ IoT? IoT का फुल फॉर्म क्या है? अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका ICT की यूनिट से. ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली जो आपकी यूनिट है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है. और मैं आपको अभी से बता दूं, हर एक पेपर वन में क्या होता है, एक क्वेश्चन फिक्स है. कहाँ से आएगा? ICT में से, एब्रीविएशन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा. हो सकता है इस शिफ्ट में, जैसे मैंने ये शिफ्ट, जिस भी शिफ्ट का ये क्वेश्चन उठाया है, तो वहाँ पे IoT का फुल फॉर्म पूछा था. किसी शिफ्ट में हो सकता है आपको कोई और फुल फॉर्म पूछे कंप्यूटर से रिलेटेड, बट एक चीज़ तो पक्की है कि ICT से रिलेटेड एक फुल फॉर्म, एक एब्रीविएशन आपको पेपर में पक्का आएगी ही आएगी. इसलिए प्लीज़ आप लोग लिस्ट बना लीजिए, जितनी भी ICT की एब्रीविएशन पॉसिबल हो सकती हैं, आप प्लीज़ उनको रट के जाइए, लर्न करके जाइए, रूट लर्निंग करके जाइए, सो दैट आपको क्या हो, ये 2 मार्क तो जो हैं वो तो आपको गारंटीड मिल जाए. चलिए, फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन, IoT का फुल फॉर्म क्या होता है सभी को पता है. IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. IoT को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ये अगेन एक IoT है जिसमें हम क्या कहते हैं, अलग अलग चीज़ें जो आपकी इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी है. जैसे आपने पहले देखा होगा, पहले के वॉशिंग मशीन, TV और आपका फ्रिज वगैरह, ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती थी. लेकिन आज की डेट में आप क्या कर सकते हो, आप अपने TVs पे YouTube देख सकते हो, ऑनलाइन मूवी स्ट्रीम करके देख सकते हो. तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के टाइम पे ये सब चीज़ें क्या हो चुकी हैं? इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी है, इंटरनेट से रिलेट कर चुके हो. किसकी मदद से रिलेट कर चुके हैं? IoT की मदद से. आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर हो. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. इनमें से कौन सा ऐसा मिशन NAPCC के अंडर नहीं आता है? NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर ऐसा कौन सा मिशन है जो नहीं आता है? ये टाइप के क्वेश्चन में आप सब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक करके आते हैं. क्यों? क्योंकि आप लोग जल्दी जल्दी में नॉट पढ़ना ही भूल जाते हैं. आप पढ़ भी लेते हैं तो आप उसको भूल ही जाते हैं कि नॉट तो शायद था ही नहीं क्वेश्चन में. प्लीज़ हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से पढ़िए, चेक कीजिए वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. अब यहाँ पे एक हिसाब से क्या पूछ रहा है? वो ऑड मैन आउट ही तो पूछ रहा है. चार हैं, चार में से 3 मिशन हैं, और एक ऐसा मिशन वो पूछ रहा है जो मिशन नहीं है NAPCC के तहत. तो देखते हैं चारों ऑप्शन क्या बोलते हैं. फर्स्ट है नेशनल वाटर मिशन, सेकेंड क्या है? नेशनल मिशन ऑन एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, थर्ड है आपका ग्रीन इंडिया मिशन, एंड फोर्थ है आपका नेशनल मिशन ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. सो जिसने NAPCC को पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर डी है, नेशनल मिशन ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसा कोई भी मिशन NAPCC के तहत नहीं आता है, नहीं एग्जिस्ट करता है. अगर आप में से किसी को नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC की बिल्कुल ही जानकारी नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको अपने ही इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मैं आपको, किसका? एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट का, क्योंकि आपका NAPCC का टॉपिक कहाँ से? एनवायरनमेंट में से. सो एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से जाके 10-15 मिनट का ही वीडियो रहेगा, उसमें मैंने NAPCC को और उसके अंदर के सारे मिशंस को कवर किया हुआ है. सो आप वहाँ से जाके भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, इनकेस अगर आपको ये NAPCC के बारे में बिल्कुल ही आइडिया नहीं है. सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए. मुझे पता है ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्यों? क्योंकि ये PYQs ही आपको मदद करेंगे एंड मूवमेंट पे. सो इसलिए मेरी
रिक्वेस्ट रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए सो दैट उनको भी इस पूरी की पूरी सीरीज़ का बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।